हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक स्लिंग बैग लेकर आई हूँ। बहुत ही इजी है, लेकिन इसका पर्पस कुछ और है। तो इसका पर्पस क्या है ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है और किस लिए बनाना है। आज का बैग बनाने के लिए सामान चाहिए 8x8 इंच का 1 पीस चुनरी प्रिंट क्विल्टेड, 8x8 इंच 1 पीस येलो क्विल्टेड, 50 इंच वन डोरी, 8 इंच वन जिप, वन रनर, स्मॉल साइज घुंगरू। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे हम दोनों क्विल्टेड प्रिंट से। ये चुनरी प्रिंट है, ये येलो प्रिंट है, जिप है, सब मैचिंग का है। और इसको हम सिंपल एक पहले स्लिंग बैग तैयार करेंगे। रनर डालेंगे। रनर डालने के बाद डोरी लेंगे और यहाँ पर इसको जिप से अलग हटाते हुए येलो पीस पर रखेंगे और 3-4 मशीन चला देंगे। इसको बनाने के बाद इसको हम पैक कर देंगे। तो पैक इसको इस तरह से करना है कि ये डोरी हमने यहाँ पे लगाई थी, तो इतना पोर्शन हमारा इस तरह से ऊपर पीला दिखाई देना चाहिए। तो इसको यहाँ से पकड़ लेंगे, इस तरह से मोड़ेंगे और सिल देंगे। तो जो बढ़ा हुआ पीस है उसको कट कर देंगे इस तरह से, और सिलते समय यहाँ पर हल्का सा राउंड शेप देंगे। यहाँ पर डबल मशीन चलेगी। ये तो सिंपल एक स्लिंग बैग की तरह बन गया, लेकिन हमको अब इसको क्या करना है, डिज़ाइनर बनाना है। तो थोड़ा सा क्या करेंगे, पहले तो डोरी बाहर करेंगे और अब यहाँ पर एक शेप देंगे। यहाँ से इस तरह से आएंगे, ये सेंटर है इसका, ये देखिए ये सेंटर आ रहा है। तो ये सेंटर से हमने यहाँ पर और हल्की सी डिज़ाइन दे दी है इस तरह से। इसको पहले सिल लेंगे एक साइड का। अब इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद इसको यहां से मोड़ेंगे, बराबर रखेंगे और इधर का निशान लगा लेंगे। अब ये निशान तो हमने कट वाला लगाया है, तो जो निशान हमने लगाया है मशीन उसके अंदर से चलाएंगे। इसको भी कट कर देंगे, जो पेन का निशान था उस पे हमें इसकी कटिंग करनी है। और इसका शेप कुछ इस तरह से आया है। और यहाँ पर ये जो हल्का सा गोलाई घुमी हुई है इसको हम यहाँ पर कट कर देंगे, जिससे कि सीधा करने पे इसकी जो तनाव है ये ख़त्म रहे। और इसको अब हम सीधा करेंगे। और इसका शेप कुछ ये इस तरह से आएगा। और अब इसमें हम यहाँ पर हल्का सा मशीन चला देंगे गोलाई देते हुए, पूरी फिनिशिंग देते हुए आएंगे और यहाँ पर इस तरह से मशीन चला देंगे। इस तरह से यहाँ पर मशीन चलाने का मकसद ये है कि पहली बात तो दिखाई नहीं देगा, दूसरी बात ये कि अगर कॉइन वगैरह इसमें अगर डाला जाता है, क्योंकि लोग शगुन नेक वगैरह देते जाते हैं, तो यहाँ पर इस कॉर्नर पे वो फंसेगा नहीं, तो यहीं यहाँ के वो रुक जाएगा, लेकिन हमको बैक का पूरा शेप नज़र आएगा। तो
तो अब इसमें क्या करेंगे, आखिरी काम हमारा, ये हम घुंघरू लगा देंगे। इस तरह से मैंने ये कलरफुल घुंघरू ले रखे हैं, कुछ वाइट में हैं, कुछ कॉपर में हैं, कुछ गोल्डन में हैं, तो इसको हम यहाँ पर लगा देंगे, जिससे कि जब नई नवेली दुल्हन या लड़की कह लीजिए, अभी तो जो भी रस्म हो उसके हिसाब से, तो घुंघरू बजेंगे तो खूबसूरत लगेंगे। तो घुंघरू हमें पूरा यहाँ से नहीं लगाना है, बस यहाँ से लेकर के और इतनी दूर पे लगाना है। और ये हमारा खास दुल्हन के लिए एक छोटा सा पाउच तैयार हो गया। ये उस समय काम आएगा जब लड़की हल्दी पे बैठती है, मेहंदी पे बैठती है, या कोई भी जो रस्में होती हैं। तो आजकल अपना मोबाइल कोई नहीं छोड़ता है, हर समय कॉल आती है, कभी फ्रेंड्स की आती है, कभी दूल्हे मियाँ की आ जाती है, कभी बहुत लोगों की आती रहती है। तो शादी के समय मोबाइल इधर उधर रखना कि मम्मी तुम पकड़ लो, पापा तुम पकड़ लो। तो जब शादी होने वाली होती है लड़कियों की, तो ऐसे भी वो मोबाइल नहीं देती जल्दी, पता नहीं किसकी कॉल आ जाए, है ना, वो तो अंदर की बात है। तो इस तरह से एक पर्स बनाइए, स्लिंग बैग बनाइए और दुल्हन को कंधे पे डाल दीजिए, तो उसका मोबाइल हमेशा उसके साथ रहेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो उम्मीद है पसंद आया होगा आइडिया। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ नया यूज़फुल आइडिया लेकर आएगी। नमस्कार।